बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी एचडी पर प्रोग्राम साफ बात में। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको अपने तमाम देखने और सुनने वालों को नया साल 2023 की मुबारकबाद देते हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो आने वाला साल है, नया साल है, वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लोगों के लिए और हम सब के लिए अच्छी उम्मीदों के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ और नई उमंगों के साथ नए साल का सूरज तुलू हो और हमारे मुल्क और हमारे मुल्क के आवाम के लिए बेहतरी लेकर आए। और ख़ास तौर पर हम चूंकि कराची में रहते हैं, कराची के हवाले से बात करते हैं, तो कराची के लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो उमंगें हैं, वो पूरी हों और कराची के लोगों को भी नए साल का सूरज जो है उनकी कामयाबियों के साथ तुलू हो। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो बात करेंगे बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन के चाहने वालों ने नए साल के लिए क्या इंतज़ाम किए हैं, नए साल पर उन्होंने क्या कुछ किया है, नया साल वो किस तरह मना रहे हैं और आज का जो आखिरी दिन है 2022 का, उस पर उन्होंने क्या किया है, जो उनकी एक्टिविटी है उससे हम आपको आगाह करेंगे। साथ साथ जो कराची की सियासत में जो महाजर धड़ों का जो मिलाप है उसके हवाले से आज गवर्नर सिंह कामरान टिशोरी डॉक्टर फारूक सत्तारी की रहाइशगाह PIB कॉलोनी गए, वहाँ उन्होंने क्या किया, मीडिया के नुमाइंदे थे, उनके क्या निजी तबसरे थे उनके जाने के बाद, तो ये भी हम आपको बताएंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कराची के मेयरशिप के हवाले से क्या कह दिया, तो ये सारी चीज़ें हम आपको तरतीबवार बताएंगे आज के प्रोग्राम में। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप हमारे थिंक टीवी चैनल HD को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें ताकि आपको कराची के हवाले से, जो कराची की सियासत है उसके हवाले से जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं वो आप तक हम बर वक्त जब पहुँचाएँ तो आप उन्हें उन मालूमात से आप बर वक्त आगाह हो सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि नए साल का आगाज़ बानी व कायद मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले किस तरह कर रहे हैं। कराची और हैदराबाद में अल्ताफ हुसैन के चाहने वालों ने अल्ताफ हुसैन की तस्वीर के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों, न सिर्फ कराची में बल्कि हैदराबाद में भी, अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी, और सिर्फ यही नहीं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी, हमारे पास एक झंग जो पंजाब का एक इलाका है वो झंग की तस्वीर भी आई है, ना सिर्फ बैनर लगे बल्कि जो कराची और हैदराबाद के जो मुख्तलिफ फ्लाई ओवर हैं, जो मुख्तलिफ चौक हैं, जो मुख्तलिफ मकामात हैं, वहाँ पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर के साथ नए साल की मुबारकबाद दी गई है। MQM के जो जो पुरानी MQM है, जो असल MQM है, उसके जो मुख्तलिफ सेक्टर हैं, यूनिट हैं, उनकी जानिब से अल्ताफ हुसैन की तस्वीर के साथ और जे अल्ताफ हुसैन के नारे के साथ नए साल 2023 की मुबारकबादों की भरमार है, न सिर्फ ग्राउंड पर है शहर में बल्कि सोशल मीडिया पर भी। और ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर जो ये एक इनकलाब आ रहा है उससे ऐसा लगता है कि अब लोग जो है बस बाहर निकलने के लिए बेचैन हैं। तो नाज़िम, अब हम आते हैं गवर्नर सिंह कामरान टिशोरी डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात की उनकी रहाइशगाह पर, और जो फारूक सत्तार से जो वाबस्ता जो और उनके जो साथी हैं, जो उनके साथ हैं, उनसे मुलाकात की, जिनमें हैदराबाद से साबिक रुकन कौमी असम्बली सैयद वसीम हुसैन भी थे, जो
कराची के एमपीए रह चुके हैं जमाल अहमद, वो भी थे, और दीगर जो अहदेदारान है वो सब थे। बड़ा भरपूर इस्तकबाल किया गया गवर्नर सेन कामरान टोसोरी का, बाकायदा ढोल ताशों से जो है बारात की सूरत में जो है उनको पीआईबी में डॉक्टर फारूक सत्तार की रहाइशगाह लाया गया। और फिर कामरान टोसोरी साहब ने बड़ा एक तवील खताब किया, और तवील खताब के बाद फिर डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी कहा कि मैं मुख्तसरन बात करूंगा, उन्होंने भी अच्छी खासी लंबी गुफ्तगू की, और सिर्फ एक ही सवाल हुआ था कि आप ये जो मुत्तहिद कर रहे हैं इसके नताइज क्या निकलेंगे, या ये सवाल थे जो भी सवाल था, उस सवाल का जवाब भी गवर्नर साहब गोल करते हुए मुख्तलिफ अपना और बातें करते रहे। और उसके बाद उन्होंने बजाय इसके कि वहाँ जो मीडिया के नुमाइंदे बेचैन थे उनसे मजीद सवाल करने के लिए, चूँकि उन्होंने अपनी पूरी तकरीर में फारूक सत्तार से मुलाकात के हवाले से या जो वो जिस तरह धड़ों को यकजा कर रहे हैं उस हवाले से कोई बात नहीं की पूरी तकरीर, अपनी तवील तकरीर में, तो बहुत सारे लोगों के मीडिया के नुमाइंदों के जहनों में सवाल थे, वो गवर्नर साहब से सवाल करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल किसी सवाल का जवाब देने से गुरेज करते हुए फौरन जो है वो स्टेज से उतरे और वो रवाना हो गए। गवर्नर सिंह के रवाना होने के बाद अखबारी वो जो मीडिया के नुमाइंदे थे वो एक दूसरे से सवाल करते रहे कि भाई वो जो आपने एक बड़ा मशहूर जुमला सुना था ना, जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया वजारत उस्मा से तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला। फिर इमरान खान साहब ने भी यही जुमला कहा कि जी मुझे क्यों नहीं निकाला, मुझे क्यों निकाला, क्योंकि वो इतना मकबूल नहीं हुआ जितना नवाज शरीफ साहब का हुआ। तो वहाँ मीडिया के नुमाइंदों ने ये सवाल किया, एक दूसरे से पूछा कि यार हमें क्यों बुलाया। मीडिया के नुमाइंदों का कहना था कि 3 घंटे हमारे ख़राब किए गए, 5 बजे से लेकर 3:30 घंटे, बल्कि 5 बजे का टाइम दिया गया था दावतनामे में, 7:30 बजे के करीब जो है गवर्नर साहब वहाँ आए, 8 बजे के करीब, और इसके बाद 8:30 वहाँ बज गए, तो 3:30 घंटे जो है बिल्कुल वहाँ, क्योंकि मीडिया के नुमाइंदे इसलिए जाते हैं कि ताकि वो सवाल कर सकें, और मीडिया के नुमाइंदों को आपने खुद दावत दे के बुलाया था, सिर्फ हमें मीडिया के नुमाइंदों को गवर्नर साहब की तकरीर सुनने के लिए नहीं बुलाया गया था, फारूक सत्तार की तकरीर सुनने के लिए नहीं बुलाया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही ये होता है कि मीडिया के जो नुमाइंदे होंगे वो उसके हवाले से सवाल करेंगे, लेकिन मीडिया के नुमाइंदों को जब सवाल करने का मौका नहीं दिया गया और गवर्नर साहब वहाँ से रवाना हुए तो मीडिया के नुमाइंदों ने उनको बड़ी मायूसी हुई, और उन्होंने कहा कि हमारा 3:30 घंटे का जो वक्त है, कीमती वक्त है, वो ज़ाया किया गया। और ऐसा लगा वो ये, और एक दूसरे से उन्होंने सवाल भी किया अजराए तफन्नुन कि भाई हमें क्यों बुलाया, हमें क्यों बुलाया था जब कोई सवाल ही नहीं करने देना था। तो नादिन, लेकिन हम आपको कामरान टोसोरी साहब ने वहाँ बहुत ही खूबसूरत तकरीर की, बहुत अल्फाजों का उनका चुनाव और उनकी तकरीर का एक एक लफ्ज़ जो था वो लोगों के दिलों की आवाज़ था, कराची के शहरियों की आवाज़ था, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कराची के शहरियों के दिलों में, उन्होंने कराची के शहरियों के मसाइल के हवाले से वो तमाम बातें की जो शहरी जो है अपने वो करना चाहते हैं, उनके लबों पे हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं गवर्नर सिंह कामरान टोसोरी ने उनकी तर्जुमानी की लोगों के दिलों की, जो लोगों के मसाइल हैं, जो मुतालबात हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि हुक्मरानों का काम ये बताना नहीं है कि आपके मसाइल क्या हैं, आपको क्या क्या तकलीफें दरपेश हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सड़कें नहीं है, अमनो अमान नहीं है, लूटमार है, लोग मर रहे हैं, ये सारी बातें बिल्कुल आपने दुरुस्त कही हैं, लेकिन हुक्मरा जो होते हैं वो इन बातों का हल पेश करते हैं या इनके हल के लिए जो वो इकदाम करने जा रहे हैं वो करते हैं, बल्कि उसे कहने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो नज़र आते हैं, इकदाम जो आप कर रहे हैं वो नज़र आना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे जो मसाइल हैं, बिल्कुल हैं ये सारे मसाइल, इससे लेकिन इनके हल के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको जब एक अहम सरकारी मनसब पे लाया गया है और आपको शहरी इलाकों के नुमाइंदों के तौर पे लाया गया है तो आप उनकी नुमाइंदगी सिर्फ तकरीरों से तो नहीं कर सकते, अगर सिर्फ तकरीरों से नुमाइंदगी करनी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फिर आपको गवर्नर का मनसब संभालने की ज़रूरत नहीं थी, आप वैसे भी ये तकरीर कर सकते थे जो आज आपने की है, ये वो तकरीर है जो आपके गवर्नर के मनसब पर फाइज होने
के नतीजे में जो आपने बातें की वो एक गवर्नर के मनसब पर फाइल होने के बाद वो जेब नहीं देती। यकीनन वो लोगों के दिलों की आवाज़ है, लेकिन जो आपके पास एक मनसब है, जो ओहदा है, आप वफाक के नुमाइंदे हैं और पीडीएम की हुकूमत है, और आप फिर एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से भी आपको नामजद किया गया, और इसीलिए नामजद किया गया शहरी इलाकों के महाजर अवाम के कोटे पे। ये एक बहुत अच्छी पेशरफ थी कि आज गवर्नर सिंध ने फारूक सत्तार के स्टेज से ये कहा कि हम ये कहा कि मैं महाजर हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो महाजर, जो उर्दू बोलने वाले, जो सिंध के शहरी इलाकों के लोगों की जो 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 मसाइल हैं जो आपने खुद बयान किए, वो कैसे हल होंगे? उनके हल के लिए आप कब इकदाम करेंगे? गुज़िश्ता 14 सालों से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और इससे पहले मेयर कराची एमक्यूएम पाकिस्तान के थे, 4 डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान के थे, 4 साल मेयर कराची और मेयर हैदराबाद और 4 कराची के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के थे। सवाल ये पैदा होता है कि आपने शहर के लिए क्या किया? फिर आपने पीटीआई की हुकूमत ज्वाइन की, इमरान खान का को आपने सपोर्ट किया, और बताया यही जाता रहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत आपकी 7 सीटों पर खड़ी है। जिस दिन आपने 7 सीटों से अपनी वापस ले ली उनकी हिमायत, उस दिन वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप पूरे 4.5 साल तक आपने उनकी हिमायत वापस नहीं ली इमरान खान साहब की। आप पीटीआई की हुकूमत के साथ जुड़े रहे, इमरान खान साहब ने जितने वादे किए, ऐलान किए, किसी एक पर अमल नहीं किया कराची के हवाले से, बल्कि उन्होंने कराची में एक रात गुजारना तक मुनासिब नहीं समझा। इसके बावजूद आप पीटीआई से जुड़े रहे, सिर्फ 2 वजारतें लेके और कुछ और सरकारी मराहत लेके। लेकिन जब एक इनकलाब आया, पूरा एक तरह से रेवोल्यूशन आया और असेंबली के जरिए तब्दीली आई, तो आपने एक कश्ती से पैर निकाल के इख्तदार की दूसरी कश्ती में कदम रख दिया, पीडीएम की हुकूमत में आप आ गए। आप शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल हो गए, वहाँ भी आपने 2 मुकम्मल वजारतें और एक जो है वो भी मुकम्मल वजारत है जो एक एडवाइजरी आपने ली हुई है। फिर हाल ही में आपने हुकूमत सिंध से जो कराची की जो 3 अजला हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो आपको आपने मांगे, 2 एडमिनिस्ट्रेटर आपको मिल गए हैं, एक का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। और बड़ी हैरत अंगेज सूरत हाल है जो कामरान टिशोरी साहब ने आज की तकरीर में बयान की। उनकी तकरीर से बड़ी बेबसी और मायूसी झलक रही थी। उनका ये कहना था कि हाँ, एक एडमिनिस्ट्रेटर का नोटिफिकेशन अब तक नहीं हो पाया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप बेबस हैं, बेख्तियार हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर यकीनन आपको इस मनसब पे रहने का भी हक नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ कर सकें तो जरूर, लेकिन आपने जो कहा है कि जी मुत्तहिद हो जाएं, गवर्नर सिंह कामरान टिशोरी ने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए ये कहा कि मैंने ये कहा था कि जनाब जिस थाने की हदूद में कोई क्राइम होगा, लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा, तो मैं खुद थाने पहुंचूंगा। और मैं थाने गया और मैंने कहा था कि वो एसएचओ, फिर वो एसएचओ नहीं रहेगा। लेकिन मेरे वहां जब मैं पहुंचा थाने में, लेकिन मेरे इस इकदाम को सराहा नहीं गया, मेरे इस इकदाम को सपोर्ट नहीं की गई, और मुझे जो है वो ये महसूस कराया गया कि आपके पास तो अख्तियार ही नहीं है, आप तो बेबस हैं, आप तो बेख्तियार हैं। तो कामरान टिशोरी साहब ने जो सारा उनकी तकरीर का एक तो मसाइल उन्होंने बताए, और बाकी सारा जोर ये था कि ये सब कुछ आपको ताकत जो है, इख्तियार जो है आपको इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप मुत्तहिद नहीं हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये 2-2, 3-3 हज़ार वोट लेने वाले 3 ग्रुप, जिनमें एक एमक्यूएम पाकिस्तान, बीएसपी और फारूक सत्तार, आप इनके वोट देख लीजिए कितने वोट इनको मिले जमनी इलेक्शन में, तो ये 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार के वोट हासिल करने वाले तीनों अगर मिल भी जाएंगे तो 10-15 हज़ार वोट बन जाएंगे। कामयाबी तो फिर भी इन्हें मिलती नजर नहीं आ रही। तो आप जो ये कह रहे हैं कि आप मुत्तहिद हो जाएं, आपकी ताकत जो है वो हो जाए, जब तक आप एक ताकत नहीं बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कामरान टिशोरी साहब, आपसे लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आप इन छोटे छोटे 2-2, 3-3 हज़ार वोट लेने वाले ग्रुपों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बजाय, जो असल सियासी ताकत है, जो असल सियासी कुवत है, जो असल लीडरशिप है, उससे क्यों नहीं बात करते?
उसको क्यों नहीं लेकर आते, तो ये मसला आपका हल हो जाए। फिर देखिए कैसे ताकत हासिल होती है, माजी में भी ताकत के जरिए जो है सारे काम किए गए, माजी में ताकत थी लेकिन इसीलिए उस ताकत को तोड़ा गया है, क्योंकि अगर ये ताकत बरकरार रहती तो फिर तो सारे मसाइल हल हो जाते, फिर तो और तेजी से हल हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो इस ताकत को तो तोड़ा गया है, इस ताकत को तो खत्म किया गया है। लोग यही तो नहीं देखना चाहते थे कि कराची में जब इलेक्शन होता था तो सारी सियासी जमातें एक तरफ और एमक्यूएम एक तरफ, पलड़ा एमक्यूएम का भारी होता था, सब दो दो तीन तीन हजार वोट लेते थे और लाखों वोट जो है वो एमक्यूएम लेती थी। तो यही ताकत से तो लोग खौफजदा थे कि ये ताकत कैसे ले, इस ताकत को तोड़ो, इस ताकत को खत्म करो, और वो ताकत खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन 6-7 साल के अरसे में आपने देख लिया कि आपने उस ताकत को सियासत से अलग रख के उस लीडरशिप पर उस लीडरशिप को अपनी पार्टी से निकाल कर और आपको तमाम तर इदारों की ताकत मिली, इसके बावजूद भी आप वो ताकत हासिल नहीं कर सके, वो अहमियत हासिल नहीं कर सके। अब एक बार फिर अगर कोशिश हो रही है तो ये कोशिश भी करके देख लें। और अब ये बात, हम तो ये बात बहुत पहले से कह रहे हैं कि ये साजे की जो हंडिया है वो बीच चौराहे पे कब फूटती है ये देखना है। और लोग, और हम ये बात भी कह रहे हैं कि ये 0-0-0 ये मिलाकर इसका जो नतीजा है वो 0/0 ही आना है। तो अब लोग ये कहने लगे कि इन 0 आप जितने चाहे 0 मिला लें, लेकिन जब तक इनके साथ 9-0 नहीं लगेगा, जब तक ये 0 किसी काम के नहीं होंगे। तो अगर आपको कुछ नतीज चाहिए, अगर आपको जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं वो ताकत चाहिए, तो आपको इन 0 के साथ 9 लगाना पड़ेगा, तब जाके ये ताकत बनेगी। तो लोग मुंतजर हैं, एक जानिब सोशल मीडिया पे इनकलाब वो लाने की कोशिश, सोशल मीडिया के जरिए जो है वो एक इनकलाब की कैफियत है, वो बिल्कुल आगे जाके वो कुछ भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। और दूसरी जानिब आप ये जो अपनी कोशिशें कर रहे हैं तीन धड़ों को मुत्तहिद करने की, तो देखते हैं कि इसके क्या नताई निकलते हैं। बिलावल भुट्टो ने आज वजीर आला हाउस में तकरीर करते हुए ये ऐलान कर दिया है कि अगला मेयर मुझे जियाला नजर आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। भाई आप 14 साल से सिंध में हुकूमत में हैं, कराची आपको 95% टैक्स देता है सिंध हुकूमत को, 70-72% वफाक को देता है, इन 14 सालों में आपने कराची का क्या हशर किया है। लोग कहते हैं कराची को आपने मौजूद दारू बना दिया है, और सिर्फ कराची नहीं पूरा अंदरून सिंध में अरबों खरबों रुपए जो है वो कागजों में दिखाए गए हैं कि खर्च किए गए हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे नजर नहीं आते। आज आप कराची का हाल देख लें, लोग कहते हैं कि कराची का जो इस वक्त हाल है ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता, अपने किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता जो कराची का हाल किया गया है, और इस कराची को खंडर बना दिया गया है। कराची की कौन सी ऐसी सड़क है जो टूट फूट का शिकार नहीं है, जहां गटर नहीं बह रहे, और जहां सीवरेज का पानी नहीं खड़ा हुआ, और कोई सड़क सलामत नहीं है, और कोई जो कराची के अंदर ना पानी का मसला हल हो रहा है, ना बिजली का, ना गैस का। तो इस वक्त तो पीठ, पहले तो हम आप कहते थे जी वफाकी हुकूमत जो है वो इमरान खान की है, सिंध हुकूमत क्या करे, अब तो वफाकी हुकूमत आप ही की है, पीडीएम की है, आप शामिल हैं पूरी वफाकी हुकूमत में, आपको आप वफाकी काबीना में पीओएस पार्टी शामिल है। तो अब क्यों कराची के लोगों को गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, और पानी तो आपकी जिम्मेदारी है, वो तो पहले से नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कैसे आप ये दावा कर सकते हैं कि अगला मेयर आपका होगा, और आपने अभी से ऐलान करके क्या कबल वक्त धांधली कर का ऐलान कर दिया है कि जी हमारा जियाला आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या करने जा रहे हैं आप, क्या आप बल्दियाती इलेक्शन से पहले ही अपने आपने रिजल्ट का ऐलान कर दिया कि जी जियाला मेयर होगा, तो इसका क्या मतलब है। तो नाज़रीन ये थी आज की हमारी गुफ्तगू, और इससे कबल कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे फिर यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी एचडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसके साथ ही आज की निशित से साबिर अली को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल थिंक टीवी एचडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।